A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. वेल हेलो डियर ऑल, सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम 2019 ने जितने भी उसके रिमेनिंग मेन सब्जेक्ट्स अब रह गए हैं जो 2nd मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए एक नया रूल निकाला है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर्स पे तो आपको ये सब जितने भी प्रोसेस फॉलो करने हैं रिगार्डिंग द स्कूल ड्रेस, द डॉक्यूमेंटेशन जितने भी है, आई कार्ड एंड आपके जितने भी है वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। सो आपको ये हमने ये जो लिया है ये आर्टिकल लिया timesnownews.com से, सो प्लीज़ इसे देख ले सो डैट आपको वहाँ पे जाने के बाद तकलीफ ना हो कुछ। तो चलिए पहला डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है कि स्कूल यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन मेड मैंडेटरी, ये आपको पता ही होगा। दिस ईयर ऑनवर्ड सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है जो कि पहले नहीं था। एंड स्टूडेंट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर वेयरिंग द प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड कैरिंग द आई कार्ड। सो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म और आपको आई कार्ड यहाँ पे कंपलसरी हो गया है गाइज, तो आपको जाना ही है। और साथ में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन एडवाइज नॉट टू अलाउ एंट्री ऑफ स्टूडेंट नॉट फॉलोइंग द सेट रूल्स, मतलब जितने भी है उनको एडवाइस कर दिया गया है कि आप स्टूडेंट को अलाउ मत करें अगर ये सब फॉलो नहीं करेंगे रूल तो। एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आर हेंस एडवाइज टू प्लीज नोट द सेम। ठीक है, सीबीएसई एडमिट कार्ड को रिलेटेड है कि सीबीएसई एडमिट कार्ड आपका जो है ओरिजिनल होना चाहिए विद सिग्नेचर ऑफ स्कूल प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट एंड द पेरेंट इज नेसेसरी। ठीक है गाइज, सो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल लेके जाना है, उस पर स्कूल प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए और साथ ही आपका और आपके पेरेंट्स का भी साइन होना चाहिए। सो प्लीज़ इंश्योर दैट योर एडमिट कार्ड और रोल नंबर इज अकॉर्डिंगली बी साइंड। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नो एंट्री आफ्टर 10 AM। अभी तक क्या था कि एंट्री दे दी जाती थी आफ्टर 15 मिनट ये सब, लेकिन अब जो है लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से कि नो एंट्री आफ्टर 10 AM, 10 AM के बाद आप स्टूडेंट कुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 10 AM इन एनी सरकमस्टांसेस। किसी भी सरकमस्टांसेस में आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये एडवाइस दे दिया गया है सेंटर्स को, तो प्लीज़ ट्राई एंड अडहेयर टू द टाइम केयरफुली। और पेरेंट्स से भी एडवाइस यही है कि प्लीज़ आप ये फोकस करें, एग्जाम सेंटर में भी हैवी ट्रैफिक हो सकता है, तो आप अपना उस हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा टाइम लेके प्लान करें। ओके, और नेक्स्ट है एक जो रिलेटेड है एग्जामिनेशन सेंटर का कि नो मोर देन 24 स्टूडेंट इन वन क्लास। सो अब के बाद जितने भी होंगे आपका 2nd मार्च के उसमें 24 से ज़्यादा कोई भी एक क्लासेस में स्टूडेंट को एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। सो गाइज ये सब जो थे आपका, और इसके अपार्ट फ्रॉम एक आया है सीलिंग से रिलेटेड जो अनसील करते हैं पेपर्स का जो हम लोग वहाँ पे ब्रेक करते हैं। सो अनसीलिंग ऑफ द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट सिग्नेचर भी लेंगे। जो अनसीलिंग पेपर का अभी तक होता था वो अब आप स्टूडेंट के सामने ही किया जाएगा और वहाँ पे कोई रैंडम कोई स्टूडेंट दो ऐसे स्टूडेंट को लेकर उनका सिग्नेचर भी लिया जाएगा रैंडम विटनेस के लिए अनसीलिंग पैकेट करते वक्त जो है क्वेश्चन पेपर का। तो उम्मीद है इस टाइप के सिक्योरिटी से आपका एक अच्छा रिजल्ट आए और ये सब आपको अवेयर रहे। इस टाइप के अपडेट्स के लिए अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी कुछ आपको टॉपिक पे अगर हमें चाहिए कि वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में डालें सो डैट उस टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।